I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be free. What's up, people? वेलकम बैक टू द चैनल. कैसे हो? सब कुछ ऑल फाइन. अभी हम लोग जस्ट पलासदरी स्टेशन उतरे और हम लोग आज जा रहे हैं सोनगिरी. या तो हम लोग का प्लान ये था कि हम लोग सुबह का ट्रेन पकड़ के करजत आने वाले थे और करजत से फिर हम लोग करजत में थोड़ा स्नैक्स वगैरह नाश्ता वगैरह करके फिर उधर से खोपोली का ट्रेन आता है तो वो खोपोली का ट्रेन पकड़ के अभी एक नेक्स्ट स्टेशन ही है पलासदरी. तो ये अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए एंड ये सोनगिरी जो है वो कुछ 2,500 फीट पे है तो और इसका लेवल भी कुछ मॉडरेट है वो इतना टफ है नहीं. तो बेसिकली आज हम लोग के साथ बहुत सारे लोग हैं मतलब अलग अलग ग्रुप से आए हैं. तो या अगर आपको भी कभी हम लोग को ज्वाइन करना है तो यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी. या यस तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट टाइम. चलते आगे का जर्नी की तरफ. जैसे ही हम लोग पलासदरी स्टेशन उतरे पूरा बाजू में पूरा ग्रीनरी हुआ है. बहुत मस्त वेदर है और मतलब ज़्यादा बारिश भी नहीं है या तो अच्छा चीज़ है हम लोग के लिए. ज़्यादा स्लिपरी नहीं होगा मतलब ज़्यादा बारिश हो जाता है तो फिर उतरने के टाइम थोड़ा सा पंगा हो जाता है लेकिन ठीक है अभी चलेंगे. स्टेशन के सामने ही दिखता है सोनगिरी लेकिन हम लोग को ये पूरा ऐसे घूम के आना पड़ रहा है. तो हम लोग वहाँ पे स्टेशन था वहाँ से घूम के ऐसे फिर हम लोग ऐसा करके उधर जाना है. अदरवाइज़ वो सीधा स्टेशन के सामने ही था तो पलासदरी का नेक्स्ट स्टेशन जो है वहाँ से आप सीधा चढ़ने के लिए स्टार्ट कर सकते हो. वो अदर एंड है सोनगिरी का. बारिश था नहीं और थोड़ा टाइम के लिए इतना ज़ोर से बारिश हुआ सब कुछ भीगा कर दिया. हम लोग विंडचीटर निकालने तक पूरा भीग गए थे. तो अभी हम लोग का ट्रैक स्टार्ट हो गया. वो विलेज हम लोग ने क्रॉस करके जस्ट अभी एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट कर दिए. अब जब भी यहाँ पे आओ तो फुल ट्रैक पैंट पहन के आना क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मच्छर थे और बहुत सारे झाड़ को भी काटे हैं. एंड द हिस्ट्री कंटिन्यूज. हमेशा की तरह हम लोग नया ट्रैक ट्राई करते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं और उसका नतीजा ये होता है कि वी एंड अप विद हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग को जाना उस तरफ है तो हम लोग सीधा ये पानी का रास्ता लेके जा रहे हैं. तो ये ऊपर किधर तो पहुंचा देगा फिर उस डायरेक्शन में हम लोग चलना चालू कर देंगे. हम लोग को मिल गया है रास्ता. ये छोटा सा बना हुआ है मे बी यहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं है तो वो इतना प्रॉपर रोड नहीं है. रूट तो है. चलो बाकी लोगों को बुला के लाते हैं. सीम्स दैट वी आर ऑन ट्रैक. वी आर नॉट ऑन ट्रैक. वी आर लॉस्ट. यस वी वर लॉस्ट बट अभी मुझे लग रहा है कि हम लोग ट्रैक पे आए. कैसा ना कैसा ऐसा घूम भीम के कैसे तो करके हम लोग को ऊपर जाने का. तो हम लोग सिर्फ एंड पॉइंट पे ध्यान दे रहे हैं बाकी आई विश हम लोग के पास एक्स या वो कोयता बोलते हैं ना वो रहता क्योंकि इतना झाड़ी में से आए ना हम लोग और सब काटे घुस रहे हैं मतलब हर जगह पे. ये हम लोग ने फाइनली रास्ता ढूंढ लिया है और हम लोग
पहुंच गए हैं जहाँ से हमारी मंजिल सामने दिख रही है। अभी यहाँ पे ट्रेल भी है तो पंगा नहीं आएगा, उसको फॉलो करते करते सीधा चले जाएंगे। अगर ट्रेक में सीधा रास्ता मिल जाए और हम लोग आसानी से कर ले, उसमें मज़ा नहीं आएगा ना, इसके लिए हम लोग हमेशा गुम हो जाते हैं। पता नहीं, लेकिन वही तो मज़ा आता है नया रास्ता ढूंढने में, और कुछ तो एडवेंचर हो जाता है कि ऑफ ट्रेल जाके आपको बहुत सारा झाड़ी में से रास्ता बना बना के देन फाइनली आप पहुंच जाते हो एक्चुअल ट्रैक की तरफ। अभी हम लोग ने आपसे सबको मिलाया नहीं है तो सबको मिला देता हूँ। केदार, ध्रुव, माध्या, बाबू, प्रसाद, सुबोध, हाय, I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be free. तो हम लोग को एक ट्रैक मिला था जिसके ऊपर हम लोग चल चल के ऊपर जाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन लकीली हम लोग को आगे एक दो तीन थोड़ा विलेजर्स मिले, तो उनसे हम लोग ने जब पूछा तो वो बोले कि थोड़ा सा ही पीछे जाके आपको नदी क्रॉस करके लेफ्ट साइड में जाना है। थैंक गॉड, नहीं तो इसके बाद जो गंदा वाला गुम हो जाते थे ना, फिर भगवान ही हमें बचाता। हम लोग वी वर ट्राइंग टू गो अप फ्रॉम हियर, तो वहाँ पे जाके तो वो चढ़ना इम्पॉसिबल है, वहाँ पे फिर अपने को रॉक क्लाइंबिंग करना पड़ता था रोप से, वो तो हम लोग के पास थोड़ी है। या हम लोग को वो अच्छे से रास्ता बता रहे हैं विलेजर, उनको फॉलो करते जा रहे हैं। अभी वी टुक अ स्मॉल हॉल्ट फॉर अ स्नैक्स, अभी थोड़ा सा ही बचा है, चलो चलते हैं। हम लोग ने आज बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया ये फोर्ट को, क्योंकि हम लोग के ख्याल से ये जो फोर्ट है उसको हम लोग ने पीछे से स्टार्ट करके पूरा राउंड मार के वापस हम लोग अभी ऊपर चढ़ने का ट्राई कर रहे हैं। मे बी बिकॉज हम लोग ने गलत राइट ले लिया था गांव से, तो गांव से अगर हम लोग एंड वाला ले लेते थे तो प्रोबेबली हम लोग अच्छी जगह पे पहुंच जाते थे, बराबर जगह पे। तो थोड़ा टाइम चले नहीं कि वापस हम लोग ट्रैक भूल जाते बस मिस हो जाता है, तो उधर ढूंढना पड़ रहा है। अभी किधर दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ये फोर्ट कुछ ज़्यादा ही अनएक्सप्लोर्ड है शायद, यहाँ पे ना कहीं पे भी मार्किंग है और ना ज़्यादा बंदे आपको रोड में मिलेंगे जो आपको सही रास्ता बता पाएंगे। इसकी वजह से जब भी यहाँ पे आओगे ना, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि नीचे गांव में से आपको चाहिए तो एक गाइड ले लो, फिर हार्डली टेक 300-400 रुपीज़, तो आपको वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज हम लोग ने ऑलमोस्ट 3-4 घंटा ऐसे ही वेस्ट कर दिया ट्रैक ढूंढने में, जो अननेसेसरी है। और दूसरा चीज़ कैसे है, हम लोग को पता था कि स्टेशन के सामने ही ये था, तो वहाँ से तो एक घंटे में हम लोग ऊपर चढ़ जाते थे, लेकिन वी थॉट कि हम लोग यहाँ से ये दूसरे रास्ते से चढ़ेंगे और उस रास्ते से उतरेंगे, तो दोनों भी साइड कवर हो जाएगा अपना। बढ़िया, आपको आना है तो ये चीज़ करो। हम लोग वो जो रूट मिला था हम लोग को, उसको फॉलो करते करते जा रहे थे, लेकिन पता नहीं वो वापस से डिस्ट्रैक्ट हो रहा था एक्चुअल फूड से। हम लोग अभी पीछे आके एक दूसरा वे चूज कर दिया है, जहाँ पे मतलब दिख रहा है यहाँ पे भी ट्रैक। आई डोंट नो, अभी ऑलरेडी 2 बज गए तो अंधेरा होने से पहले नीचे भी उतर रहा है, और अभी तक हम लोग ऊपर जाने का रास्ता भी नहीं ढूंढ पाए, उसके बाद हम लोग को नीचे जाने का रास्ता भी ढूंढना है, और अगर हम लोग जो रास्ते से आए वो रास्ते से वापस जाने के लिए ट्राई करेंगे तो वापस से 4-5 घंटा लगेगा। तो यह अभी हम लोग सोच रहे हैं कि यह दूसरा रास्ता है जहाँ से हम लोग को नीचे सब ट्रेन वगैरह भी दिख रहा है, तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो देन वी आर गोइंग अप, अगर ये नीचे जा रहा है तो हम लोग नीचे जा रहे हैं, क्योंकि वी डोंट हैव टाइम, और सबका ऐसा रिस्क लेके कुछ मतलब नहीं है। अगर हम लोग ट्राई भी करेंगे ऊपर पहुँचने का, और समझ लो ऊपर जाके हम लोग पहुँचते हम लोग को रात हो गया, तो फिर नीचे आने का क्या करेंगे, और ऊपर कुछ ऐसा है भी नहीं जहाँ पे हम लोग स्टे कर सकते हैं।
सो अपेरेंटली हम लोग नीचे उतरे क्योंकि ये रास्ता हम लोग को नीचे लेके आया है, और चलो इस बार हो नहीं पाया, लेकिन हम लोग एक गलती किया जो कि हम लोग वो रास्ते से ट्राई कर रहे थे जो गांव के अंदर से आता है, डू नॉट गो फॉर दैट, जो रास्ता अपने स्टेशन से आगे सामने से जो आता है ना बस वही ट्राई करो, और वहाँ से यही रास्ते पे आप आ जाओगे और ऊपर चढ़ के डायरेक्ट सीधा 1.5-2 घंटे में हो जाएगा ये ट्रिप। हम लोग ने अननेसेसरी का लॉन्ग रूट लेके वहाँ से फिर बहुत सारी जगह पे हम लोग गुम हो गए थे क्योंकि वो रास्ता है ही नहीं, वो लोग वहाँ पे कोई जाता ही नहीं है। हम लोग ने सोचा था कि ये 1.5 घंटे का है ये साइड, तो हम लोग वो साइड भी एक्सप्लोर कर लेंगे क्योंकि किसी तो ब्लॉग में हम लोग ने पढ़ा था कि ऐसा वो साइड से भी आते हैं पब्लिक, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंदी है और प्रॉपर मार्किंग नहीं होने की वजह से आप गुम हो सकते हो, तो बेटर है कि आप यही रोड से आओ। लेकिन ये रोड से आने में कुछ इतना ज़्यादा मज़ा नहीं है क्योंकि देखो ये व्हील ट्रैक्स है तो फोर व्हीलर भी आता है शायद यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रोड दिख रहा है। चलो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम लोग ने सोनगिरी छोड़ के बाकी के आजू बाजू के 4 पहाड़ देख लिए जो मतलब, और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। हम लोग ने बहुत सारे जगह पे क्रोलिंग वगैरह भी किया था, टोटल ओवरऑल इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस। अभी हम लोग नीचे उतर गए, बारिश भी चालू हुआ है तो मैं कैमरा को अंदर डाल देता हूँ। चलो सिया।